एवरीवन, दिवाली की सबको बधाइयाँ और दिवाली मुबारक हो। और जो दिवाली आजकल पता है दिवाली की धूम है और चारों तरफ दिवाली की शोर है। अब दिवाली के इस फेस्टिवल पर हम लोग डिस्कशन करें कि हिमाचल प्रदेश में क्या ट्रेडिशनल है दिवाली मनाने का। आपको बताएं दिवाली का मतलब होता है कि दीप को एक तरह से अरेंज करके जलाने को दिवाली कहते हैं। और इसके पीछे कहावत है कि श्री भगवान 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या को जब लौटे तो दिवाली मनाया जाता है। और कहते हैं गॉडेस लक्ष्मी का बर्थडे भी दिवाली है। दिवाली का फेस्टिवल आप देखेंगे तो 5 डेज चलता है। पहला जो चलता है धनतेरस के रूप में, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद भाई दूज, ऐसे करके ये 5 दिन तक ट्रेडिशन दिवाली का एक तरह से त्यौहार को मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश में दिवाली के जो फेस्टिवल है, कुछ आप देखेंगे इलाके में जो ट्रेडिशनल है बनाने का फेस्टिवल कुछ डिफरेंट तरीका है। क्योंकि नॉर्मल दिवाली तो आप देखेंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में उल्लास और उत्सव से मनाया ही जाता है और दीप जलाए जाते हैं दिवाली के दिन। बाकी कुछ फेस्टिवल जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट जुड़ा हुआ है दिवाली से रिलेटेड है। जो पहला दिवाली है हिमाचल प्रदेश का बूढ़ी दिवाली। अब बूढ़ी दिवाली इंडिया में ऐसी दिवाली है जो हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा एक ट्रेडिशनल है कि एक महीने की दिवाली के एग्जैक्टली एक मंथ के बाद एक तरह से हिमाचल प्रदेश में एक दिवाली मनाई जाती है जिसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं। अब कहते हैं कि बूढ़ी दिवाली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी लोग जो हिमाचल प्रदेश के भी होंगे उनको भी अच्छे से इसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए एक ट्रेडिशनल इसके बारे में एक कहावत है कि पहाड़ों में क्या होता है कि उस समय दिवाली से एक तरह से कहते हैं कि शीत ऋतु माने कोल्ड सीजन की शुरुआत मानी जाती है। तो दिवाली जैसी सीजन है उसके बाद एक तरह से ठंड का मौसम शुरुआत हो जाती है। तो पहाड़ों में क्या होता है कि बहुत स्नोफॉल होते हैं, बर्फबारी हो जा स्टार्ट हो जाते हैं दिवाली के एग्जैक्टली बाद। तो ऐसा ट्रेडिशन है कि जब भगवान राम 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या को लौटे तो दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। बाकी पहाड़ों में चूँकि बर्फबारी के बाद वहाँ पर जो मैसेज था माने कम्युनिकेशन गैप के चलते पहाड़ों के लोगों को एक मंथ के बाद पता चला कि भगवान राम अयोध्या को वापस लौटे हैं, इसलिए बूढ़ी दिवाली जो है एक मंथ के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। जो बूढ़ी दिवाली है खास एरिया में इसका एक तरह से फोकस है, ट्रेडिशन है, खासकर गिरिपार एरिया ऑफ सिरमौर में बहुत ट्रेडिशन से उल्लास उत्सव से मनाया जाता है। विलेज ऑफ शिमला के गाँव में और निर्बंध के कुल्लू में बूढ़ी दिवाली दिवाली के एग्जैक्टली एक मंथ के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं यहाँ पर इस समय बहुत से गाने ट्रेडिशनल गाने गाए जाते हैं जैसे बिरहा हुआ, डांसेस में नतियान है जो आधी रात को मिडनाइट में गाना गाया जाता है। तो ये बूढ़ी दिवाली के बारे में कॉन्सेप्ट है। अब बूढ़ी दिवाली के बाद एक दिवाली जैसे ही स्टार्ट होगा दिवाली के एग्जैक्टली नेक्स्ट दिन एक और भी उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है जिसको पत्थर का खेल कहते हैं। पत्थर का खेल में क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं आपस में बढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं। अगर जिस ग्रुप के पत्थर को ग्रुप में किसी को लग गया सर के ऊपर और उसमें से ब्लड निकल गया तो माता काली को चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद ये पत्थर का खेल खत्म हो जाता है। तो पत्थर का खेल एक तरह से हिमाचल प्रदेश के जिस प्लेस से जुड़ा हुआ है, हलोक तहसील से जुड़ा हुआ, शिमला का जो एक तरह से धामी का कैपिटल है और धामी आपको पता ही ऐसे ही बहुत न्यूज़ में एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से न्यूज़ में रहा धामी। तो ऐसा ट्रेडिशन है कि पत्थर के खेल में एक दूसरे को लोग पत्थर मारते हैं और ये प्रथा इसलिए शुरुआत की गई कि मानव बलि को रोकने के लिए ये प्रथा एक तरह से हलोग में शुरुआत की गई थी जो अराउंड 3 PM 3 बजे इसकी शुरुआत होती है। पत्थर का गेम, दो ग्रुप आपस में एक दूसरे को पत्थर फेंकते हैं और 20 मिनट का गेम होता है और इसमें किसी को भी एक बार पत्थर लगा और उसके सर से खून आया और काली को चढ़ा दिया जाता है। तो दिवाली के एग्जैक्टली सेकेंड दिन जो होगा वो पत्थर का खेल होगा। और भी ट्रेडिशन है हिमाचल प्रदेश में हल्दा फेस्टिवल। तो हल्दा जो फेस्टिवल है एक तरह से चंद्रा और भागा वैली में जो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑलमोस्ट ये दिवाली टू सिमिलर होता है, बाकी ये जैन का मंथ में मनाया जाता है हल्दा फेस्टिवल। तो ये भी दिवाली का फेस्टिवल है। उसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल आपको देखेंगे ट्रेडिशन, तो लाहौल में दिवाली के रूप में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम है कोजला है, जो फुल 9 नाइट दिवाली जब सेलिब्रेट किया जाता है तो उस समय मून दिखता नहीं, पूरा अंधेरा होता है और उसमें हम दीप को जलाते हैं। बाकी लाहौल में कोजला जो फेस्टिवल होता है उसमें पूरा फुल मून नाइट होता है और गाँव के मिडिल्स में लोग खड़ा हो जाते हैं और खड़ा होकर इस फेस्टिवल में एक तरह से कहते हैं कि जो देवदार के लिप्स होते हैं उस पत्ते को आग में फेंकते हैं और बोनाफायर होता है इन द नेम ऑफ गैफान और ब्रजेश्वरी देवी के नाम पर, ये एक तरह से वो लोग
फायर बोना फायर करते हैं। तो ये कुछ ट्रेडिशनल दिवाली है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो एक तरह से हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशन को, एक तरह से कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो हमने डिस्कस किया दिवाली के ऊपर। तो जो लोग दिवाली सेलिब्रेट करें उनको एक तरह से मुबारक हो दिवाली, और अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।